Scam. I don't like. I avoid, but scams like me, so I can't avoid. तो शुरू करते हैं। हमें क्या पता था कि स्कैम्स पर डिस्कस करते करते प्रीवियस वीडियो में 2023 के एंड में हम लोग 500 करोड़ का स्कैम डिस्कस करेंगे। तो कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो अपलोड किया बिग स्कैम एक्सपोज करके और तीर ऐसा निशाना पे जाके लगा कि पूरा इंडिया में उसका आवाज गूंज रहा है। तो इस स्कैम के एनालिसिस पे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि रियली क्या 500 करोड़ का स्कैम है कि रैपर्स की तरह एक डिस है। एंड हम लोग ये भी समझने का कोशिश करते हैं कि विवेक बिंद्रा जी का MLM स्कैम और एंड्रयू टेट के स्कैम में क्या डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी है। तो संदीप महेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी दोनों ही अपने फील्ड के अव्वल यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों अपने अपने जगह के अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं। संदीप महेश्वरी जी का 28 मिलियन एंड विवेक बिंद्रा जी का 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स के ऊपर है, तो आप समझ ही सकते हो कि उनका लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक बार जो संदीप महेश्वरी जी के पॉडकास्ट में विवेक बिंद्रा जी खुद आ भी चुके हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चले गए, आइए समझते हैं। तो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है जब संदीप महेश्वरी जी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं ये बिग स्कैम एक्सपोज। इस वीडियो में एक लड़के ने कहा कि उसके साथ 50,000 का फ्रॉड हुआ है और एक ये फ्रॉड कोई नॉर्मल इंसान है, मामूली छपरी ने नहीं किया, एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने किया जो बिजनेस सिखाने के नाम पर ये अक्सर करते हैं। इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि चोर के दाढ़ी में तिनका। हाँ, विवेक बिंद्रा के दाढ़ी में तिनका तो जरूर था कि बहुत जोर से चोट लगा। एंड इतना ही नहीं, वो संदीप महेश्वरी एंड उनके पूरे टीम को लीगल एक्शन लेने की धमकी भी देने लगे। एंड यही नहीं, वो अपने गुंडे एम्प्लॉइज को संदीप महेश्वरी के घर भी भेजे ताकि उनको, समझ रहे हो ना, वीडियो डिलीट करने का प्रेशर एक प्रॉपर बनाया जा सके। पर ये सब बात हम लोग को संदीप महेश्वरी जी के लेटेस्ट पोस्ट से पता चल सकती है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम को शुरुआत इससे भी पहले से हुआ। दोनों पर्सनालिटीज लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे थे। शुरू से ही संदीप महेश्वरी जी अपने चैनल को मोनिटाइज नहीं किया और आज 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद जहां वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, फिर भी अपने चैनल को मोनिटाइज नहीं, क्योंकि वो पैसा के ऊपर लोगों का प्यार को इंपॉर्टेंस दिए। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी थोड़ा सा गड़बड़ी कर बैठे कि वो पैसा को ज्यादा प्रायोरिटी दिए प्यार के कंपेयर में। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अब पैसा कमाना जरूरी नहीं, आजकल के डेट पे किसको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उनका पैसा कमाने का तरीका जो इतना गलत था, वहीं से सब प्रॉब्लम का शुरुआत होता है। यूट्यूब में बिजनेस और मोटिवेशन रिलेटेड वीडियोस बनाते बनाते विवेक बिंद्रा जी पेड कोर्स शुरू किया अपने वेबसाइट पे, जहां उनका यह दावा था कि 35,000 से 50,000 रुपया खर्च करके अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आप भी गारंटीड एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। अब इतने बड़े गीता का ज्ञान देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट का बात को कोई भी आसानी से ट्रस्ट कर ही लेगा। तो इंडिया में बहुत सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट एंड कॉलेज गोइंग यूथ इस कोर्स को रजिस्टर किए कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे, लेकिन उनके साथ पूरा उल्टा ही हो गया। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक्चुअली कर क्या रहे थे, वो इस कोर्स के वाया अपना एफिलिएट मॉडल बेच रहे थे IBC के द्वारा। अब दो रेस्टोरेंट और एक वीडियो प्रोडक्शन हाउस चलाने के बाद ये तो थोड़ा मोटा एंटरप्रेन्योर फील्ड की फील्ड में नॉलेज है ही कि IBC बनना सबका बस का बात नहीं है। IBC मतलब क्या, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने इस कोर्स को एक अलग लेवल पे इंडिया पे ले जाना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि अकेले का काम नहीं है। तो वो क्या कि हर एक शहर में एक IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट अपॉइंट किए जो उनका इस मल्टी लेवल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स को एक्सपैंड करता चला जाए। वहाँ IBC का काम ये था कि किसी को भी पकड़ के 50,000 के कोर्स में एनरोल कराना एंड फर्दर उसको मोटिवेट करना कि वो और 2 जन को अपने अंदर एनरोल करवाए, ताकि एक बहुत बड़ा बाइनरी ट्री हर एक सिटी में बनता चला जाए। तो बाकी आदमी ये कोर्स क्यों खरीद लेता है, एक सपना बेचना है और एक पैसा बचाना है। सपना क्या बेचना रहता है कि जो भी MLM के टॉप में रहते वही एक्चुअली पैसा कमाते हैं। जितना MLM का चेन बढ़ता चला जाता है, नीचे के लेवल पे जितना सैचुरेशन रहता है उतना पैसा कम होते चला जाता है। तो रियली पैसा जो मेक करते हैं ऊपर के टॉप लेवल। तो उसमें क्या होता है कि एक केस स्टडी को ले लिया जाता है कि अगर आप ऐसे MLM को कोर्स बेचे तो आपका ये BMW रह सकता है, आपका ये बंगलो रह सकता है। तो वो ड्रीम सेल किया जाता है MLM में। और एक स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को इतना बड़ा कोई ड्रीम सेल करे बिना रियलिटी जाने तो वो सच मानने लगते हैं। दूसरा, क्योंकि इस कोर्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं रहता है, सिर्फ प्री रिकॉर्डेड कुछ मनी एंड फाइनेंस पे वीडियोस रहता है। तो स्टूडेंट्स को पता चल जा चुका रहता है कि उनका पैसा डूब चुका है, तो अपना डूबा हुआ पैसा को और निकालने के लिए और जिनको एनरोल करते हैं ताकि उसका कमीशन से वो अपना पैसा बचा सके, जो इतना हार्ड अर्न्ड मनी जो उनका चले गया। क्योंकि आप संदीप महेश्वरी जी के वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जो 50,000 का कोर्स वो बच्चा खरीदा, तो उसके फादर का मंथली इनकम सिर्फ 15,000 है। तो वो पैसा बचाने के चक्कर में वो ये सब कोर्स को बेचने निकल जाता है एज ए सेल्समैन। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी है मेरे तरफ से इनपुट है कि विवेक बिंद्रा जी के MLM मॉडल और एंड्रयू टेट का मैट्रिक्स एस्केप स्ट्रेटजी में क्या सिमिलैरिटीज है। पहला, दोनों अपने करिश्मा
फार्मा पे बहुत सारा वर्क करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए। दूसरा, एंड्रयू ट्वेट बोलता है कि मैट्रिक्स तुमको गरीब बना के रखा है, तुमको बुगाटी लाइफस्टाइल जीने नहीं दे रहा है, तो ये कोर्स से तुम्हारा गरीबी से तुम बाहर आ पाओगे। विवेक बिंद्रा जी भी बोलते हैं कि ये कोर्स करके तुम एक अवर लेवल का एंटरप्रेन्योर बन जाओगे और तुम गरीबी से बाहर आ पाओगे। तीसरा, एंड्रयू ट्वेट का कोर्स का नॉमिनल फीस $50 है, जहां प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन मनी एंड फाइनेंस है, जहां विवेक बिंद्रा जी का फीस का कोर्स 35,000 से 1,00,000 रुपीज तक का है। लेकिन एंड्रयू ट्वेट भी अपने कोर्स में बेचता है कि तुम दूसरा को लेके आओ कोर्स में, 50% कमीशन तुम्हारा, प्लस उसमें एक टास्क दिया जाता है कि मेरे वीडियोस को तुमको सोशल मीडिया नेटवर्क पे पोस्ट करते रहना है। तो इसलिए जो एंड्रयू ट्वेट का आर्मी बन गया इतना स्ट्रॉन्ग, विवेक बिंद्रा का भी सेम है। ये कोर्स में तुमको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन मनी एंड फाइनेंस मिलेगा, इसके अलावा तुम जितना अपने फ्रेंड्स को ऐड करोगे तुमको उसका उतना और कमीशन मिलते चला जाएगा। तो लास्टली मेरा सल्यूट है संदीप महेश्वरी जी को कि उनके करेज की वजह से ये 500 करोड़ का स्कैम बाहर आ पाया। अब देखना ये है कि विवेक बिंद्रा जी इससे बाउंस बैक कैसे करेंगे, कि जो पैसा उन्होंने लूटा है वो रियली पैसा रिटर्न करेंगे, या एक ऑथेंटिक वैल्यू क्रिएशन का जो कोर्स होता है वो रियली उस स्टूडेंट्स को दे अगर वो पैसा ना रिटर्न कर पाए तो। लेकिन जिस तरीके से संदीप महेश्वरी के पीछे पड़े हुए धमकी दे रहे और अनअपोलोजेटिक है, मेरे को नहीं लगता कुछ होगा। तो अब ये संदीप महेश्वरी वर्सेज डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं, अब पब्लिक वर्सेज डॉक्टर विवेक बिंद्रा डिबेट टर्न हो चुका और इतिहास गवाह की पब्लिक जिसके अगेंस्ट जाता है उसका क्या हर्ष होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।